अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है मस्जिद नबवी के 303 नंबर गेट के सामने, ठीक है, 302-303 नंबर गेट। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपने मक्का जाने के लिए ट्रांसपोर्ट लेनी है या आपने जो है रियाद जाने के लिए ट्रांसपोर्ट लेनी है तो किस जगह पे गाड़ियां खड़ी होती हैं और कितना किराया होता है और किस तरह से आप वो ले सकते हैं, कार आपको कितना चल के आना पड़ेगा, सारी चीजें आपको बताएंगे। बेसिकली 303 नंबर गेट जो है वो अभी आपको दिखाएंगे, वहां से सीधा निकलेंगे सामने, बिल्कुल सीधा आएंगे सामने मस्जिद बिलाल और उसकी जो पार्किंग और सारी चीजें वो आपको नजर आएंगी, वहां से आप ले सकते हैं। 365 से भी जा सकते हैं, 303 से भी। हम 303 से निकले हैं तो हम आपको 303 वाली जगह का वो सारा दिखाएंगे कि किस तरह आप जाके ले सकते हैं, किस तरह जो है वो आप बगैर ट्रांसपोर्ट के वीजा में लेते हैं, बगैर उसके भी आप जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं, हम आपको वो जगह दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने आपको मीनार नजर आ रहे हैं, गुम्बद नजर आ रहे हैं और वो 303 नंबर गेट है सर, ठीक है, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है वहां से आप सीधा आएंगे। ये कुबरी है सर, ये कुबरी क्रॉस करेंगे, इसे पुल भी कहते हैं, ये क्रॉस करेंगे और ये आगे आप देख सकते हैं कि ये टैक्सियां आ गई है, ठीक है, ये गाड़ियां आ गई है। यहाँ पे आपने आना है, ठीक है, क्रॉस करके यहाँ पे गाड़ियां आपको सामने कहीं नजर आएंगी, ठीक है, यहाँ पे आपने आना है जनाब, यहाँ पे लोग भी आपको बैठे नजर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई जान, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, बहुत सारे दोस्त ना हमें ये कंप्लेन करते हैं जी कैमरा अच्छा ले ले, मोबाइल अच्छा ले ले। भाई जो हमारे पास है हम उस पर खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, और जब तक है हम करते रहेंगे, फिर बाकी बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही होती है, अच्छा जो है जितना अच्छा हो सके उतना कर दें आपके लिए, ठीक है। ये मस्जिद बिलाल है सर सामने, ठीक है जी दोस्तों। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये सामने मस्जिद बिलाल है, ठीक है, और ये अब हम इस साइड पे जा रहे हैं ताकि आपको रास्ता जो है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो डिफरेंट प्राइसेस है जो लेते हैं, ठीक है। ये सामने आप देख सकते हैं ये म्यूजियम है, ठीक है, और इस म्यूजियम की बैक साइड पे जो है ये मस्जिद बिलाल और वो एरिया है जहाँ से आप गाड़ियां ले सकते हैं। अभी हम गाड़ियों वाले के पास जाएंगे, जो भी गाड़ियों वाले खड़े होते हैं उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी ये पूछेंगे कि जो किराया है वो कितना है और कितनी देर में पहुंच जाते हैं ताकि आपको ये आसानी भी हो जाए, ठीक है। नॉर्मली तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कई गाड़ी वाले 3-3.5 घंटे में भी ले जाते हैं। तो ये अभी हम जाएंगे, आपको सारी गाड़ियां दिखाएंगे और आपको दोबारा से जो है वो रेट्स भी बताएंगे जी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जो 365 वाली साइड से आ रहे हैं लोग इधर से आ रहे हैं और वो 303 मैंने आपको बताया था, ये आएंगे, ये कुबरी क्रॉस करेंगे, ठीक है, ये सामने जो कुबरी है ये क्रॉस करनी है आपने, ये क्रॉस करके और इसके बाद ये मस्जिद बिलाल वाली साइड पे लोग जा रहे हैं। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे सीधा जाएंगे हम, ठीक है, और आगे से राइट जब हम टर्न लेंगे तो आगे वो गाड़ियां जो है वो खड़ी होंगी। कुछ लोग जो मतलब सस्ती रिहाइश ढूंढ रहे होते हैं तो मस्जिद बिलाल वाली साइड पे भी आके रह सकते हैं, ये आपको बिल्डिंग्स भी नजर आना शुरू होगी, ठीक है, इनमें सस्ती रिहाइश होती है, ठीक है। अमूमन जो है वो कुबा रोड से भी और मलकिया से तो खैर बहुत ही सस्ती होती है ना, ठीक है, 100 रियाल में भी आपको कमरा मिल जाता है, ठीक है। ये सामने आप देख सकते हैं वो दुकानें वगैरह वो जो आपको नजर आ रही है, ये मस्जिद बिलाल वाली साइड की दुकानें, ठीक है। तो आप जो है वो इस साइड पर रिहाइश ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी सी रुकावटें हैं लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे आते हैं रहते हैं उनके लिए आसानी है, ठीक है जी। तो अब हम ये आ गए मस्जिद बिलाल के बिल्कुल पास सामने, ठीक है, ये यहाँ पे चीजें लगी हुई है शॉपिंग वाली, ठीक है, और वो सर सामने जो है वो गाड़ियां लगी हुई है, ये रोड बिल्कुल सीधा जाएंगे तो उन गाड़ियों पे आप जा सकते हैं आराम से। आप जो है वो मक्का और रियाद और जद्दा कहीं पे भी, अगर आपको लगता है कि जी हमने तो ट्रांसपोर्ट ली नहीं
ठीक है और हमें पता भी नहीं हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट लें, खर्चा कितना आता है, तो ये आपके लिए मददगार वीडियो साबित होगी। तो अभी वहां पे पहुंचते हैं, हम चल रहे हैं, तो वहां पे पहुंच के आपको मजीद वहां पे लोगों से बात करके बताते हैं कि रेट कितने हैं और किस तरह से आप यहां पे आ सकते हैं, और अगर आपने एडवांस बुकिंग करवानी हो तो उसका क्या तरीकेकार है। अच्छा, यहाँ पे स्टारियो और H1 जो है वो भी खड़ी होती है, 7 सीटर 4 सीटर, आप पूरी पूरी बुक करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं, और अगर आपने ज्यारात के लिए लेना गाड़ी लेनी हो तो तब भी यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं रेट, और यहाँ से आप अपनी मर्जी की गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो इस साइड पे खाने वाली दुकानें भी हैं अच्छी अच्छी, ठीक है। पाकिस्तान वाले जो हैं उनके लिए खास खान बाबा जो है वो इस साइड पे है, ठीक है। तो रुकावटें जब आप क्रॉस करेंगे तो आप आराम से वहां पे खाने के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। ये देखेंगे, जैसा कि अभी हम इधर आए हैं, ये हाजी एहराम पहन के खड़े हुए, तो ये जा रहे हैं मक्का जा रहे। ये देखें दोस्तों, ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है। ये 7 सीटर सारी खड़ी हुई है, जिसने जाना है वो जा सकता है यहाँ पे। और ये देखें, इस साइड पे वो बड़ी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, शटल भी खड़ी हुई हैं मुख्तलिफ होटल्स की, और हाईएस्ट भी खड़ी हुई हैं, और ये 7 सीटर भी यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप जाना चाहें तो आप इजीली यहाँ से जा सकते हैं। अभी हम उनसे बात भी करते हैं, लोगों से उनसे पूछते हैं कि कितने में लेके जा रहे हैं मक्का में, और दमाम का क्या किराया है, और रियाद का क्या है, सारी चीजें पूछते हैं। आ जाइए जी दोस्तों। तो ये अभी हम एक भाई के पास आए हैं, इनसे पूछते हैं हम कि अगर यहाँ पे किसी ने जाना हो। भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? दुआ है भाई। अच्छा भाई जान, किधर जा रहे हैं? हम मक्का जा रहे हैं। मक्का जा रहे हैं, अच्छा। अगर किसी के पास ट्रांसपोर्ट ना हो, जी जी, ठीक है, प्राइवेट उसको चाहिए हो, जी जी, तो पहले तो यहाँ पे पहुँचने का रास्ता बताएं लोगों को कि किस तरह से यहाँ पे पहुँच सकते हो। हम बिलाल मस्जिद के पास होते हैं, किसी भी टाइम आए तो इंशाल्लाह यहाँ से गाड़ी मिल जाती है, ठीक हो गया। कितने चार्जेस होते हैं मक्का के, अगर किसी ने आप इस तरह प्राइवेट से? मक्का 50 रियाल एक पैसेंजर के लेते हैं हम, ठीक हो गया। एक पैसेंजर का किराया 50 रियाल है, ठीक हो गया। और अगर किसी ने रियाद जाना हो तो रियाद की भी गाड़ी मिल जाती है, जहाँ पे भी जाना हो, हायल, रियाज, दमाम, अच्छा, सारी गाड़ियाँ मिल जाती है। रियाद वाली गाड़ी का कितना किराया? 150 रियाल है एक बंदे का, जी जी, ठीक हो गया। और दमाम वाला तकरीबन 200-250 लेते हैं एक बंदे का, जी जी। और जाती वो भी 7 सीटर की? वो 7 सीटर जाती है, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे गाड़ियाँ काफी ज्यादा खड़ी हुई है, तो ये 24 घंटे गाड़ियाँ चल रही होती है? यहाँ से नकल जमाई है अभी बिलाल मस्जिद के पास, 24 घंटे मिल जाती है गाड़ी, ठीक हो गया। यानी इसका नाम है बिलाल मस्जिद के पास नकल जमाई बिलाल मस्जिद के पास, तो 24 घंटे यहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाती है, जिससे ठीक हो गया। और दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर आपसे किसी ने प्राइवेट गाड़ी लेनी हो, वो भी मिल जाती है, तो उसका क्या तरीका है? मिल जाती है और प्राइवेट भी मिल जाती है। शेयरिंग पे मतलब जो बड़ी बस है? नहीं नहीं, छोटी गाड़ी, जैसे ये है कि पैसेंजर 2-4 उन्होंने पर्सनल गाड़ी लेके जानी हो तो मिल जाती है, ठीक है। और अगर मतलब अपनी जाती लेके जानी हो तो कितने चार्जेस लेते हैं मक्का से मदीना 7 सीटर के? 600 भी लेते हैं, 700 भी लेते हैं, जहाँ एक साइड का, ठीक है। महंगा नहीं काम वैसे आपकी तरफ से? नहीं महंगा तो नहीं है, अभी तो कई लोग बड़े सस्ते भी आते हैं, अब बस लोग आते हैं बताते हैं कि सस्ते में है। ड्राइवर है ना वो, अच्छा, जोश में चले जाते हैं। और छोटी गाड़ी जो है वो कितने में जाती है? छोटी गाड़ी 400 में जाती है, 350 में, 400 में, अच्छा, सोनाटा हो गई, कैमरी हो गई, अच्छा, चले ठीक हो गया। भाई जान बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भाई बता रहे थे कि यहाँ से गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं, 24 घंटे मिल जाती हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि किस तरह आप यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं, तो अभी इनका नंबर भी हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं इनका नंबर, तो वहां पे कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के बाद आप इनसे पूछ सकते हैं अगर आपने जाना हो मक्का, वैसे नॉर्मली सस्ती भी मिल जाती है गाड़ियाँ, तो आप अगर उन पे जाना चाहे तो उन पे भी जा सकते हैं, इनके साथ जाना चाहे इनके साथ भी जा सकते हैं। तो ये एक तरीका था, मैंने कहा आपको बता दूं, दमाम, रियाद और जद्दा और मक्का जाना हो तो उसका क्या तरीकेकार है। तो आज के लिए इतना ही, इसके साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।